14 महीना बचा है तो उसे फॉलो होगा। छह महीने पर निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने कोई बात कही है तो उसका हम लोग पालन करेंगे। वो वाला नियम जारी है कि अभी जो पद में रहेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से जो की पोस्ट में है जिला अध्यक्ष जो बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। केवल जिला अध्यक्ष को लेगी बाकी लोग के लिए भी नियम है? बच्चा तो महामंत्री तो दर्जनों होते हैं, एक दर्जन महामंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष एक दर्जन होते हैं, सचिव उससे भी अधिक होते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष की पोस्ट है। फलाहारी बाबा आजकल चावर वाले बाबा के साथ उसमें फोटो देखे, दोनों बाबा के फोटो एक साथ देखे हम लोग, फलाहारी बाबा और चावर वाले बाबा फोटो एक साथ देख रहे हैं। सीएम बोल रहे थे कि टीएस बाबा भी है, कांग्रेस टीएस बाबा भी है, एक बाबा वो भी है। टीएस बाबा घर में जो निक नेम लेते हैं उस प्रकार के बाबा है, ये ठगी करने वाले बाबा नहीं है। ठगी करने वाला तो रमन सिंह है, चौर वाले बाबा, दारू वाले बाबा, कोई पानी वाला बाबा बन जाता है, कोई खुमरी वाला बाबा बनता है। जिला अध्यक्ष बनाने में कहीं पिटकराहट नहीं, क्योंकि अपने विचार हम लोगों ने सब पीआरओ को दिया है। और जहां तक मेरी बात है तो जो चुनाव प्राधिकरण हमारा बना है उसको सहयोग करना है, उसके सहयोगी की भूमिका हमारी रही है। पीसीसी उस समय या जिला कांग्रेस कमेटी है, वो जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है या जिला चुनाव अधिकारी के सहयोगी की भूमिका उनकी होती है, और जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो सहयोग मांगते हैं, उसको देने की हमारी जिम्मेदारी है, वो काम हम लोगों की। चुनाव सहमति से हो रहा है, लगता है कि चुनाव की नौबत आएगी। कौन से चुनाव? संगठन का जो चुनाव, संगठन चुनाव में कहीं दिक्कत नहीं है। लगातार 2014 से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है, और यही कारण है कि सरकार लगातार बढ़ती जा रही है और अपने फैसले बदलते जा रहे हैं। राशन कार्ड काटने का है, कितने बार नियमों में बदलाव किया गया। किसानों के मामले में लड़ाई शुरू हमने की, वो तो धान खरीदना नहीं चाहते, फिर 10 क्विंटल किया, फिर 15 क्विंटल किया, और आज जाकर रमन सिंह की 300 रुपये बोनस देने की घोषणा की, वो कांग्रेस के दबाव पर चलते। ये आंदोलन ये एक दो दिन का आंदोलन नहीं है, ये वर्षों से चला, तब ये स्थिति आई, लेकिन अभी भी अधूरा है। किसानों को पूरा बोनस मिलना चाहिए, रमन सरकार से विश्वास किसानों का उठ चुका है। रमन सिंह के घोषणा करने के बाद चांपा जहांगीर में जगदीश बघेल ने आत्महत्या की, पाटन के तबुही गांव में सुखित पटेल ने आत्महत्या की, और कल जब रमन सिंह जी 2100 करोड़ की घोषणा के लिए विशेष सत्र बुलाया था, उस दिन बालोद जिला के गुंडरदेह के सिरसिदा गांव के राधेलाल देवांगन ने नमूने गोल्ड के लिए, अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं, वो संघर्ष कर रहा है। ये तीन घटना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि रमन सरकार से लोगों का विश्वास हट चुका है, क्योंकि जो बोनस मिल रहा है वो केवल एक तिहाई किसानों को अधूरा बोनस दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 37,46,000 किसान हैं, बोनस दिया जा रहा है वो केवल 13 लाख किसानों को। जो धान उत्पादन करते हैं वो 38 लाख हेक्टेयर है, और जो बोनस मिलेगा वो केवल 21 लाख हेक्टेयर पे मिलेगा, और 21 लाख हेक्टेयर पे केवल उसके पूरे उत्पादन पर नहीं मिलेगा, केवल 15 क्विंटल पर ही मिलेगा। तो जो जिसको मिल रहा है वो भी आधा अधूरा है, पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा, केवल एक तिहाई किसान को मिल रहा है, और इस कारण से जो 3 साल मिलना चाहिए वो केवल 1 साल के दिया जा रहा है, 4 साल के समर्थन मूल्य तो मिला ही नहीं। यदि इनके हिसाब किया जाए तो जो 2100 करोड़ है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि किसानों को मिलना चाहिए 24,669 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, उसके विरुद्ध में केवल 2100 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। किसानों को मिलना चाहिए प्रति एकड़ 80,000, प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए जो 15 क्विंटल धान बेचे उनका, और मिल रहा है केवल 4,500।
मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।